This Lallantop video is presented by Khata Book. Business hua easy. Inka tomorrow hona ho, lekin hisab today ho sakta hai. कैसे भाई खाता आउट करो खाता बुक डाउनलोड करो ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे उधारी वापस लाए फटाफट भेज दिया उसको हिसाब खाता बुक बिजनेस हुआ इसी। नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी लालनटॉप देख रहे हैं। हाथरस मामले में दलित युवती से कथित रेप के चारों आरोपियों के समर्थन में गांव और आसपास के गांव के अगड़ी जाति के लोग लामबंद हो रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पीड़िता के गांव से करीब 500 मीटर की दूरी पर 2 अक्टूबर शुक्रवार को सैकड़ों लोग जमा हुए। सभी अधिकतर अगड़ी जाति के थे। ये एक तरह से पंचायत किस्म की बुलाई गई थी। आमरा ये बने कि चारों आरोपियों को फंसाया जा रहा है और इस मामले को दलित बनाम अगड़ी जातियों का रूप दिया जा रहा है। इस वजह से सभी ने फैसला किया कि आरोपी युवकों का पक्ष रखा जाएगा और गांव में फिलहाल किसी भी बाहरी को आने नहीं दिया जाएगा। यहां जुटे लोगों ने यह भी कहा कि वे जांच से संतुष्ट नहीं हैं, जांच के विरोध में प्रदर्शन भी किया। एक स्थानीय पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने ट्वीट किया, हाथरस में पीड़िता के गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर यह भीड़ आरोपियों के समर्थन में इकट्ठा हुई है। इनका कहना है कि आरोपियों को गलत फंसाया जा रहा है और स्वर्ण बनाम दलित राजनीति का खेल खेला जा रहा है। कठुआ में भी ऐसा ही हुआ था, अब वैसा ही हाथरस मामले में हो रहा है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि 12 गांवों की अगड़ी जाति के लोग इस महापंचायत में जुटे थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों में से एक ओजवीर सिंह राणा ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, हमने ये प्रदर्शन सिर्फ इसलिए रखा है ताकि अन्याय के खिलाफ अपनी भी आवाज उठा सकें। एक हादसा हमारे पूरे समुदाय की छवि खराब कर रहा है। पुलिस प्रशासन के पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। अगर उनके पास सबूत हैं तो उन्हें सजा दें, अगर नहीं है तो रिहा करें। हम किसान हैं और हर जाति का सम्मान करते हैं, पीड़ित परिवार का दर्द भी समझते हैं, लेकिन उन्हें भी इस मामले को जातिगत हिंसा का नाम नहीं देना चाहिए। स्थानीय निवासी गोविंद शर्मा का कहना है, मेरे एक दोस्त ने बताया कि घटना के बारे में बात करने के लिए एक महापंचायत बुलाई गई है तो मैं आ गया। यहाँ प्रधान और कुछ अन्य लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। हम सब जानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की बात नहीं आई है, हमें निशाना बनाया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि लोग हमें दमन करने वालों के तौर पर जाने, जबकि वास्तव में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इस पंचायत में जुटे लोगों का कहना है कि अगर पीड़िता की माँ और भाई से अच्छे से पूछताछ की जाए तो सच यूं ही पता चल जाएगा। उनका कहना है कि जिन लड़कों पर आरोप लगाया गया है वे असल में पीड़िता और उसकी माँ को पानी दे रहे थे। इन लोगों की मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। वहीं इस मामले में परिवार ने सीबीआई जांच से इनकार किया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। हाथरस मामले में जो भी अपडेट होगा लालनटॉप आपको बताता रहेगा। ये स्टोरी आप तक लेकर आए थे हमारे साथी अभिषेक। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।